अभी हमने देखा कि हमें हमारे 118 एलिमेंट को किसने क्लासिफाई किया, एस पी डी एन एफ ब्लॉक के अंदर। आप सभी ने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, 10th क्लास के बच्चे अपने चैप्टर में केमिस्ट्री में दिया हुआ है, उनमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपने उसमें देखा होगा। और जो 11th क्लास के बच्चे उनकी केमिस्ट्री की बुक में फ्रंट पेज पे ये क्या दिया हुआ है, पीरियोडिक टेबल दिया हुआ। तो आइए हम समझते हैं अपने पीरियोडिक टेबल को। तो एस ब्लॉक की अगर हम बात करें, तो बिफोर कि हम इन ब्लॉक्स को समझे, आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया गया है इनटू ग्रुप, जहाँ पे अगर बात करें तो हमारे पास 1 से लेकर के 18, तो हमारे पास है 18 ग्रुप, जो कि अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और अप टू 18 ग्रुप है हमारे पास। और ये हमारे पास क्या है, पीरियड। पीरियड की अगर हम बात करें तो हमारे पीरियोडिक टेबल में 1 to 7 पीरियड है, और इसको क्लासिफाई किया है 1 to 18 ग्रुप के अंदर। ठीक, आई होप आपको ग्रुप एंड पीरियड समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं एस पी डी एंड एफ ब्लॉक को। एस ब्लॉक की अगर हम बात करें तो एस ब्लॉक के अंदर हमारे पास 1 और 2 यानी फर्स्ट और सेकेंड दो ग्रुप आते हैं। इस ग्रुप की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो फर्स्ट ग्रुप को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट ग्रुप को हम बोलते हैं अल्कली मेटल। सेकेंड ग्रुप की अगर हम बात करें तो एस ब्लॉक के सेकेंड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब यहाँ पे बात आता है अल्कली और अल्कलाइन, तो अल्कली और अल्कलाइन दोनों का मीनिंग सेम होता है, और वो होता है यहाँ पे वाटर सॉल्युबल बेस, यानी एस ब्लॉक के दोनों ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों ही क्या करते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस का फॉर्मेशन करते हैं, इससे इनको हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो डी ब्लॉक से पहले हम आते हैं यहाँ पे पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक का जो ग्रुप होता है वो किसके अंदर आता है, पी ब्लॉक के अंदर। इनमें से अगर हम बात करें तो ग्रुप 13 में तो हम बोलते हैं बोरॉन फैमिली, ग्रुप 14 को हम बोलते हैं कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। एक और नाम से इसको जाना जाता है और वो है निक्टोजन फैमिली। निक्टोजन की अगर हम बात करें तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जितने भी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी होती है हम ग्रीक लैंग्वेज से लेते हैं। तो निक्टोजन भी कहाँ से लिया गया, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब होता है बैंड क्रिएटिंग एलिमेंट। ग्रुप 15 की बात करें तो इस ग्रुप का फर्स्ट मेंबर क्या है, नाइट्रोजन। अब इसे निक्टोजन फैमिली क्यों बोला जाता है, तो ये हम सभी जानते हैं जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर जो कि सी में जाते हैं, समुद्रों में जाते हैं और जाकर के सी स्टडी करते हैं, तो उस केस में वो सभी अपने साथ ऑक्सीजन का एक सिलेंडर लेकर के जाते हैं। उस ऑक्सीजन के सिलेंडर की अगर हम बात करें तो क्या उसमें केवल ऑक्सीजन के अंदर ही होती है, तो ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन के साथ साथ यहाँ पे कौन सी गैस भरी हुई होती है, नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। ये नाइट्रोजन गैस जैसे ही इसको ऊपर डाइवर्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो उसके साथ साथ ये नाइट्रोजन गैस भी क्या होती है, उनकी बॉडी के अंदर एंटर करती है। और जैसे जैसे हम पानी के नीचे जाते हैं तो ये गैस जो होती है वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर बबल्स के फॉर्म में इकट्ठा हो जाती है,
क्योंकि प्रेशर ज्यादा होने के कारण ये गैस बॉडी से बाहर नहीं आ पाती है। इस वजह से ये बॉडी के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होती है, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज क्या होती है, बहुत थिन पतली पतली क्या होती है, यहाँ पे कैपिलरीज ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होती है, तो ये कैसे वहां पे इकट्ठा होकर के बबल्स का क्रिएशन कर लेती। और जैसे ही ये स्कूबा डाइवर्स पानी के बाहर आते तो प्रेशर बैलेंस होने के कारण ये इकट्ठा बहुत ही फोर्स के साथ ही नाइट्रोजन की जो गैसेस होती है कैपिलरीज से बाहर निकल के, यानी बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करते। और उस केस में क्या होता है, बॉडी के अंदर बहुत ही पेन होता है और कभी कभी प्रेशर इतना हाई हो जाता है कि ब्लड कैपिलरीज की भी क्या होती है, वो फट जाती है, जिसके वजह से उस स्कूबा डाइवर या उस इंसान की मौत हो जाती है। तो क्योंकि ये बॉडी के अंदर जाकर के बैंड्स का क्रिएशन करते हैं, ये बैंड्स बहुत ही हार्मफुल होते हैं, इससे इस ग्रुप को नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में, नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में इसको हम क्या बोलते हैं, निक्टोजन फैमिली बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास क्या हुआ यहाँ पे, ग्रुप 16। ग्रुप 16 की अगर हम बात करें तो ग्रुप 16 को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो ऑक्सीजन फैमिली के अलावा भी इसको हम किस फॉर्म में जानते हैं, कैल्कोजन फैमिली के रूप में जानते हैं। कैल्कोजन का मतलब क्या होता है, तो ये भी एज इज अ ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट। और फॉर्मिंग एलिमेंट से क्या मतलब है, हम सभी जानते हैं नेचर में कोई भी मेटल हमको प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, वो अपने कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं या किसी ना किसी इम्प्योरिटी के साथ मिलते हैं। तो जितने भी मेटल हमारे पास होते हैं उन मेटल्स के मैक्सिमम जो ओर, क्या हम बोल सकते हैं ओर वो मटेरियल होते हैं जिनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं या मेटल की इकोनॉमिक वैल्यू को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो उनमें अगर हम देखें तो ग्रुप 16 में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ साथ इस ग्रुप का एक और इम्पोर्टेंट मेंबर है और वो है सल्फर। ऑक्सीजन और सल्फर ये दोनों ही अगर हम देखें तो मेटल ऑक्साइड और मेटल सल्फाइड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी मेटल ओर का फॉर्मेशन करते हैं, इससे इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कैल्कोजन फैमिली बोलते हैं। नेक्स्ट ग्रुप की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ग्रुप हमारा होता है 17। 17 की अगर हम बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरीन फैमिली। फ्लोरीन फैमिली के अलावा भी अगर हम बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली क्यों बोला जाता है, तो इस ग्रुप के मोस्टली एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो इस ग्रुप के सभी मेंबर क्या करते हैं, सी सॉल्ट का फॉर्मेशन करते। तो क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में हैलोजन का मतलब होता है सी सॉल्ट से, और ये ग्रुप के मेंबर भी क्या करते हैं, सी सॉल्ट का फॉर्मेशन करते, इसलिए हम ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं, हैलोजन फैमिली या फ्लोरीन फैमिली। नेक्स्ट पी ब्लॉक का लास्ट ग्रुप आता है और वो है हमारा ग्रुप 18। और ग्रुप 18 की अगर हम बात करें तो इसे हम जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, और ये क्या है, नोबल गैस फैमिली। नोबल गैस फैमिली यानी ये इसके अंदर वो सभी गैसेस आती हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ऐसा नहीं है कि ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। इस ग्रुप के मेंबर जैसे कि हम देखें जेनॉन, तो जेनॉन ऑक्साइड फ्लोराइड जैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, बट कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में, और केवल ये कुछ ही कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, बाकी के रेस्ट ऑफ द जो मेंबर होते हैं वो इस ग्रुप के वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए इनको हम क्या पूछते हैं कि ग्रुप 18 क्या है हमारा, नोबल गैसेस रखे जाते हैं, यानी कंप्लीटली नॉन रिएक्टिव गैसेस रखे जाते हैं। एस ब्लॉक हो चुका, एस ब्लॉक के अंदर हमारे दो ग्रुप आते हैं, अल्कली मेटल्स का ग्रुप और अल्कलाइन मेटल्स का ग्रुप। पी ब्लॉक के अंदर हमने देखा 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ग्रुप। अब आते हैं हमारे डी ब्लॉक के, डी ब्लॉक की अगर बात करें तो ग्रुप
थ्री से लेकर के ग्रुप थ्री से लेकर के ग्रुप ट्वेल्व तक के जो मेंबर होते हैं या ग्रुप थ्री टू ट्वेल्व, ये किसके अंदर आते हैं? हमारे डी ब्लॉक के अंदर। डी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे, इसे ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं? तो आप लोगों को मेरे ख्याल से ट्रांजिशन का मतलब नहीं पता होगा, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ट्रांजिशन का मतलब है यहाँ पे चेंज। चेंज किस तरीके का हो रहा है? तो क्योंकि एस ब्लॉक की अगर हम बात करें तो ये हमारे प्योरेस्ट मेटल होते हैं, यानी मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट अगर किसी ब्लॉक में रखे गए हैं या किसी ग्रुप में रखे गए हैं, तो एस ब्लॉक के अंदर आने वाले दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप, ये दोनों क्या होते हैं? प्योरेस्ट मेटल होते हैं। जैसे ही एस से हम कहाँ जाते हैं? डी से होते हुए फीमेल आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बोरॉन ग्रुप 13 के अंदर बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसर्टीन एंड आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलूरियम और पोलोनियम, ये सभी क्या होते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं। और इस साइड अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं? नॉन मेटल। अगर हम एलिमेंट्स की इनकी कंडक्टिविटी के बेसिस पर क्लासिफाई करें तो हमारे पास जो मटेरियल या हमारे पास जो एलिमेंट है उनको हम जानते हैं कि ये क्या होते हैं, यहाँ पे मेटल होते हैं। छोटी क्लासेस में हम जानते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ के रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपली वे पे बता देती हूँ, या एक लाइन में अगर बताऊँ तो वो सभी एलिमेंट जो कि क्या करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को जो शो करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। सेकेंड अगर हम बात करें तो सेकेंड हमारे पास क्या आते हैं? नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या वो सभी एलिमेंट, वो सभी मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्शन नहीं शो करते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल को कनेक्ट करने वाला एक और थर्ड टाइप ऑफ मटेरियल हमारे पास होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड। वो थर्ड टाइप ऑफ एलिमेंट हमारे पास क्या है? मेटलॉइड। मेटलॉइड की अगर हम बात करें तो मेटल कहाँ है हमारे पास? एस ब्लॉक के अंदर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल। सेकेंड डी ब्लॉक के अंदर भी हमारे पास मेटल है, लेकिन जैसे ही हम डी ब्लॉक से कहाँ जाते हैं? पी ब्लॉक की ओर जाते हैं, तो प्रॉपर्टीज हमारी क्या होते जा रही है? चेंज होते जा रही है पूरी तरीके से। यहाँ पे एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो ग्रुप 12 तक हमारे पास मेटल है। ये जो ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा क्या कंसिस्ट करता है? सेमी मेटल्स को रखता है। सेमी मेटल्स के बगल में ये जो ऑरेंज कलर की लाइन आप लोगों को दिख रही है, ये हमारा मेटलॉइड्स होता है। और मेटलॉइड्स के जस्ट बाद जो भी एलिमेंट आते हैं वो सभी क्या होते हैं? हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। तो ट्रांजिशन किस तरीके को, क्योंकि जब हम एस ब्लॉक से डी ब्लॉक से होते हुए एस ब्लॉक से डी ब्लॉक से होते हुए पी ब्लॉक में जाते हैं, तो प्रॉपर्टीज हमारी पूरी तरीके से क्या हो रही? यस, चेंज हो रही है। क्योंकि यहाँ पे मेटल है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल, यहाँ पे भी मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होती है। तो क्योंकि हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप फर्स्ट से कहाँ जा रहे हैं? ग्रुप 18 की ओर जा रहे हैं, तो मेटल यहाँ पे भी क्या है? मेटल है। बट जैसे ग्रुप 12 से हम क्रॉस करते हैं सेमी मेटल मेटलॉइड, और यहाँ पे क्या आ गया? नॉन मेटल। क्योंकि हमारी प्रॉपर्टीज क्या होते जा रही? चेंज होते जा रही, प्रॉपर्टीज का ट्रांजिशन होते जा। और ये ट्रांजिशन के लिए अगर हम देखें तो ये जो प्रॉपर्टीज का ट्रांजिशन हो रहा है वो थ्रू कहाँ हो रहा है? डी ब्लॉक से होते हुए हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो ब्लॉक है वो क्या है? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक की अगर हम बात करें तो एफ ब्लॉक के अंदर हमारे 14 एलिमेंट है। 14 एलिमेंट तो है, पर इसमें कभी भी हम ये नहीं पढ़ते हैं कि एफ ब्लॉक को क्लासिफाई किया ये इतने ग्रुप से या
फर्स्ट ग्रुप से 18 ग्रुप तक, थ्री ग्रुप से 14 ग्रुप तक, या किसी भी ग्रुप तक इसको क्लासिफाई नहीं किया जाता। रीजन क्या है? तो एफ ब्लॉक क्योंकि ये केवल एक सिंगल ग्रुप को बिलोंग करता है, वो कौन सा ग्रुप है? वो हमारा ग्रुप है थर्ड, यानी ग्रुप थर्ड के सिक्स एंड सेवेंथ पीरियड में ही ये हमारे एफ ब्लॉक के 14 एलिमेंट रखे गए, जहां पे लेंथेनम से लेकर के ल्यूटेशियम तक के जो एलिमेंट है वो ग्रुप पीरियड सिक्स और ग्रुप थर्ड को बिलोंग करते हैं, और एक्टिनियम से लेकर के लॉरेंशियम तक के जो एलिमेंट है वो पीरियड सेवन और ग्रुप थर्ड को बिलोंग, क्योंकि दोनों ही एफ ब्लॉक के जो हमारे एलिमेंट है वो कहाँ आ रहे हैं? डी ब्लॉक के थर्ड ग्रुप के सिक्स और सेवन पीरियड के अंदर आ रहे हैं। यानी अगर हम देखें तो ये किसके अंदर है? डी ब्लॉक के अंदर आ रहे हैं, इसलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर मतलब अंदर, ट्रांजिशन एलिमेंट में आपको पहले ही बता चुकी है। तो ये ग्रुप एफ ब्लॉक के हमारे पास दो पीरियड है, यहाँ पे दो सीरीज है, एक है लेंथेनाइड। फर्स्ट जो सीरीज होता है इसको हम सीरीज वाइज पढ़ते हैं, तो फर्स्ट जो है उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? लेंथेनाइड सीरीज, और दूसरा जो सीरीज है वो क्या है यहाँ पे? एक्टिनाइड सीरीज। और ये दोनों ही कहाँ रखे गए हैं? तो डी ब्लॉक के ग्रुप थर्ड में सिक्स और सेवन्थ पीरियड के अंदर रखे गए हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर रखे गए हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो हमने क्लासिफाई किया अपने एलिमेंट को अप टू फोर ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों को कंबाइंड फॉर्म में अगर हम बात करें तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्यों बोला जाए? तो बेसिकली अगर हम देखें तो एक पीरियोडिक टेबल या हमारी पीरियोडिक टेबल की जितनी भी प्रॉपर्टीज हो वो वेरी करती हैं एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की ओर, और हम ऐसा मानते हैं कि जितने भी पीरियोडिक चेंजेस होने लगते होते वो एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की ओर जाने के दौरान ही होते। तो अगर हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की स्टडी बहुत अच्छे से कर दी तो हम ऐसा मानते हैं कि हम पूरी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इजली वे में समझ सकते हैं, इसलिए एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इनके बारे में और अच्छे से हम पढ़ेंगे जब हम इंडिविजुअल इन सभी ब्लॉक्स की स्टडी करेंगे।